एक बात और, आपके शौक और जिस तरह से चाहे वो म्यूजिक को लेकर हो चाहे लेखन को लेकर हो, ये स्थिति कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के जहन में या यूं इस तरह के कई आरोप आ जाते हैं कि ये जो आपके शौक हैं या आपके प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट करते हैं। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है इसमें जिसको कहते हैं हैरम पॉलिटिक्स, इंट्रीग बहुत होती है, तो मेरे को भी बहुत से घाव मिले हैं, पर सारी पीठ पे हैं, सीने पे कोई नहीं है। हिम्मत नहीं है किसी के सीने पे घाव दे सामने, तो खैर किसी की हिम्मत होती नहीं, क्योंकि आई कीप माई लाइफ वेरी सिंपल। तो ये कई बार मुझे बताया गया है कि ऐसी चीज़ें मेरे बारे में कही जाती हैं, बट आई हैव नेवर निगलेक्टेड माई वर्क, और मैं अपने काम को बड़ी शिद्दत से करता हूँ। हाँ, एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जिस लेवल ऑफ जिस सीनियोरिटी पे मैं आ गया हूँ, तो हमारे कॉलीग्स को थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए। बिकॉज एक बड़े फेमस चाइनीज़ फिलोसोफर हुए कन्फ्यूशियस, महात्मा बुद्ध से 500 साल पहले, वो खुद भी ब्यूरोक्रेट थे, मैंडरिन थे, चाइना में ब्यूरोक्रेट को मैंडरिन कहते हैं, तो सच बोलते थे। तो एक बार उन्होंने सच बोला, राजा को पसंद नहीं आया, राजा ने उनका देश निकाला कर दिया, और 32 साल की उम्र में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, सदर रियासत बन गए थे कन्फ्यूशियस। तो उन्होंने अपनी एक एनालिटिक्स किताब लिखी है, उसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को, सिविल सर्वेंट्स को नसीहत दी, और सबसे बड़ी नसीहत उन्होंने ये दी है कि द जॉब ऑफ ए सिविल सर्वेंट इज़ टू टेल द रूलर व्हाट ही ऑट टू है, नॉट व्हाट ही वांट्स टू है। तो सत्य में बड़ी शक्ति होती है। सो इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि आपके भारत के अशोक चक्र में सत्यमेव जयते लिखा है, असत्यमेव जयते क्यों नहीं लिखा। सत्य की अपनी शक्ति बहुत है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि यह सच है कि ईश्वर ही सत्य है, उसके बाद उन्होंने कहा इससे बड़ा सत्य यह है कि सत्य ही ईश्वर है।